बॉडी पे जो चोट के निशान है वो सबूत नहीं है, वो कुछ और है। क्या सबूत चाहिए और आपको? हेलो, मैं रजनी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, रजनी लाइव ब्लॉग्स में। और आज जो ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं बात करने वाली हूँ घम्मू जी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है। और काफी परेशान हैं वो, और उनके पति देव शराबी जो अत्याचार कर रहे हैं ना, और जो खुलेआम घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि बच नहीं पाएंगे आप, सजा जरूर मिलेगी आपको। और पुलिस विभाग से मैं पूछना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ, कितने में खरीदा गया है आपको? एक लेडी इतने चक्कर लगा चुकी है आपके पास, और आपने और मतलब FIR दर्ज नहीं की, क्यों? क्या रीजन था इसका? सबूत चाहिए आपको। बॉडी पे जो चोट के निशान है वो सबूत नहीं है, वो कुछ और है। क्या सबूत चाहिए और आपको? मैंने एक वीडियो आज से 3-4 महीने पहले और बनाई थी उन्हीं के बारे में। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था उनका, मैं उनके वीडियो देखती हूँ, तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो देखा था कि सामान सारा घर का बिखरा हुआ पड़ा है, और मतलब वो झगड़ा करते हैं, तो मैंने एक वीडियो उनके ऊपर बनाई थी। तो हमारी वीडियो पे कुछ कुछ सब नहीं सब बहुत मतलब जो भी कमेंट आए थे वो सपोर्ट में आए थे, और कुछ कमेंट अपोजिट थे। तो मैं आज उन कमेंट को पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, और जिन्होंने ये कमेंट किए हैं आज मैं उनसे जवाब लेना चाहती हूँ। रामजी ट्रिक के नाम से आईडी है, उन्होंने कमेंट किया था, दुनिया में पहला आदमी तो नहीं है गम्मू का पति जो कि ड्रिंक करता है, जो पीता है। ऐसे लोगों पे मुझे बड़ा हंसी आती है। क्या बात है, इसका मतलब आप भी पीते होंगे और आप भी अपने घर पे यही सब करते होंगे, है ना? एक कमेंट था बली जाखड़ के नाम से आईडी है, वो लिखते हैं कि आप कैसे कह सकती हैं कि वो पीते हैं और सारी गलती उन्हीं की तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक लेडी विद प्रूफ वीडियो में सब कुछ दिखा रही है, घर बिखरा हुआ दिखा रही है, मारपीट दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है, और क्या चाहिए आपको कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो पीते हैं? किसी को शौक नहीं होता अपने हस्बैंड की बदनामी करने में? जब वो परेशान हो जाती है ना बहुत, तभी वो कहती है। लेडीज बहुत सोचती है कि मैं अपने घर बर्बाद ना होने दूँ, मैं अपने घर को बचाऊँ, मैं अपनी गृहस्थी को बचाऊँ, उसे शौक नहीं होता। और हाँ, आगे लिखा था इन्होंने कि जब वो कहते हैं यूट्यूब छोड़ने के लिए तो छोड़ दें। किसी भी लेडी को इतना शौक नहीं होता कि टीचिंग करती है, फिर घर का काम करती है, और फिर यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाती है। जब सारी सैलरी उसकी लोन में कट जाती है, जिस मकान में वो शराबी भी रह रहा है, खर्चा कहाँ से चलाएगी वो अगर यूट्यूब छोड़ दे? बताइए आप, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। आपने ये कमेंट जो किए हैं इनके जवाब दीजिए आप। एक कमेंट था राजकुमार के नाम से आईडी है, वो लिखते हैं कि वो खुद नौकरी करते हैं और वो उनके घर का मैटर है, आप अपने काम से काम रखिए।
देखिए मैं भी एक लेडी हूं और अगर किसी लेडी के साथ में अत्याचार होता है मैं उसके सपोर्ट में बोलती हूं और बोलूंगी, ठीक है। और मैं कहूं जी से कहना चाहूंगी कि आप मत बैठिएगा हिम्मत हार के जब तक कि उनको सजा ना हो जाए। बिल्कुल मत बैठिएगा और जीत होगी आपकी, आपको न्याय मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी। कुछ लोगों की परवरिश ही ऐसी होती है कि उनको ना यही सब पसंद होता है, ठीक है। और हाँ, एक शर्मा जी ब्लेज लाइफ करके कुछ ऐसा ही कुछ नाम है उनके चैनल का, उन्होंने भी कल वीडियो बनाई थी और आज भी आया है वीडियो उनका, मतलब गमों को ही लेकर। तो आज वो बता रहे थे, आज की जो मैंने वीडियो देखी थी उनकी, तो उसमें वो बता रहे थे कि कल की वीडियो देख के मेरी गम जी के पति का मेल आया है कि मैं वकील हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। आप वकील हैं या कौन हैं वो आप अपने पास रखिए। आप वकील हैं तो जब आपको अपना घर संभालना नहीं आया, अपनी पत्नी को इज्जत देनी नहीं आई, अपनी पत्नी को रखना नहीं आया, अपने घर का खर्चा चलाना नहीं आया, आप किसी का क्या कर सकते हैं। मैं गमू जी से यही कहना चाहूंगी कि आप बैठिएगा मत हिम्मत हार के, आप स्टेप बाय स्टेप कदम उठाइए और न्याय आपको जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है मेरी ये समझ में नहीं आता, एक लेडी इतना क्यों सहन करे, क्यों वो मतलब अपना खा रही है, अपनी अपने लोन से मकान बनवाया हुआ है, अपनी मतलब अपनी सैलरी से लोन भर रही है, उस घर में रह रही है, ठीक है, उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों सहे वो, फिर भी वो सह रही, बहुत दिन से सह रही है ना, फिर भी उसने कभी ऐसा तो नहीं किया ना FIR या कुछ ऐसा करना, कब तक सहन करे, क्यों सहन करे भाई। खमू के पति जो है ना, ऐसे लोगों की क्या सोच होती है, क्या मतलब क्या होता पता है कि मैं कठपुतली बना के रखूं, मेरे हिसाब से जैसे मैं नचाऊं वैसे नाचे, क्यों क्यों नाचे, क्या लेडी में दिमाग नहीं होता है क्या, क्या महिलाओं में दिमाग नहीं होता जो वो तुम्हारे दिमाग से चले क्या, क्यों। और महिला आयोग में वो गई है ना, और मतलब खैर ये सब मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है तो मुझे नॉलेज नहीं है। पुलिस प्रशासन में वो गई, मतलब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो उसमें जो वो बताती हूँ वो मैं मतलब बता रही, किसी ने हेल्प नहीं की, क्यों क्यों, क्योंकि वो अकेली थी, वो अकेली नहीं है, हम सब उनके सपोर्ट में हैं सर। और मेरा वीडियो बनाने का रीजन सिर्फ यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं उनके सपोर्ट में हूं, उनको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहती हूँ कितने में खरीदा गया है आपको, कितने में बिके हैं आप, इतने दिन हो गए आपने क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट दर्ज की, क्यों नहीं उनको पकड़ा। बलि जाखड़ जी, दुनिया कह रही है कि वो शराबी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो शराबी हैं। सारी गलती उनकी नहीं है तो वो बताएं ना गमू जी की गलती, जिस तरीके से गमू जी बता रही हैं वो भी बताएं उनकी क्या गलती है गमू जी की। राजकुमार जी, आपने कमेंट जो किया है कि वो खुद नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं वो अपनी शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए, ना कि घर का खर्च चलाने के लिए, है ना।
तो फिर तो घम्मू जी को ही चलाना पड़ेगा ना, यूट्यूब नहीं छोड़ सकती ना। वो नौकरी करते हैं पुलिस प्रशासन में, भरने के लिए पैसे, भरने के लिए ताकि घमू की मतलब जो है आवाज को दबा दिया जाए ना, कि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए नौकरी करते हैं। अगर करते ना तो ये दिन जो आज मतलब ये जो दिन देखना पड़ रहा है घमू जी को, ये नहीं देखना पड़ता। लेकिन घमू जी तो कुछ दिन के लिए परेशान है, लेकिन उनका जो पति है ना, वो जिंदगी भर के लिए परेशान होगा। न्याय मिलेगा घमू को, मिलेगा। मैं खुलेआम कहती हूं, मैं घमू जी के सपोर्ट में हूं। घमू को न्याय मिलना चाहिए। पूरी बॉडी पे निशान है, वो निशान नहीं दिखते हैं कि सबूत लाओ। और क्या सबूत चाहिए भाई, क्या सबूत चाहिए? पूरी बॉडी पे निशान है, ऑडियो है, और क्या चाहिए? डेड बॉडी चाहिए क्या? तब आप मानेंगे कि हाँ ये सब कुछ हुआ है। और ठीक है, मैं गमू जी से ये कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल मत हिम्मत हारिएगा, परेशान मत होइएगा। हम सब आपके सपोर्ट में हैं और आपको न्याय जरूर मिलेगा। और वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।